नमो नारायण दोस्तों, आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी व्रत की पूजा विधि, महत्व एवं शुभ मुहूर्त के बारे में। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए विनायक या विनायकी चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी का व्रत और पूजन किया जाता है। पुराणों के अनुसार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। कई स्थानों पर इस दिन को वरद विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्री गणेश की पूजा दोपहर या मध्याह्न में करनी चाहिए। अमावस्या के बाद आने वाली विनायकी चतुर्थी को श्री गणेश का पूजन अर्चन करना अत्यंत लाभदायी माना गया है। इस दिन गणेश की उपासना करने से घर में सुख समृद्धि, धन दौलत और आर्थिक संपन्नता के साथ साथ ज्ञान एवं बुद्धि की प्राप्ति भी होती है। इस बार यह पर्व 10 मार्च 2019 दिन रविवार को मनाया जाएगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्री गणेश के आशीर्वाद से जीवन के सभी कार्य संभव हो जाते हैं, इसलिए उनको विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो आपके सभी दुखों को हर लेता है। इन्हीं श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए विनायक या विनायकी चतुर्थी और संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। हिंदू पंचांग में प्रत्येक चंद्रमास में 2 चतुर्थी होती हैं और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश की तिथि माना गया है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा कैसे करनी चाहिए। इस दिन शिव विनायक का पूजन करने के लिए प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें और यदि संभव हो तो लाल रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान को प्रणाम करें और उनके व्रत एवं पूजा का संकल्प करें। इसके बाद दोपहर को पूजन करें और सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, पीतल, तांबा, मिट्टी अथवा सोने या चांदी से निर्मित गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद षडोपचार पूजन कर श्री गणेश की आरती करें। आरती के बाद गणपति की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाएं, फिर ओम गण गणपते नमः मंत्र का जप करते हुए 21 दुर्वा दल अर्पित करें। अंत में गणेश जी को बूंदी के 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। इन्हीं में से 5 लड्डू ब्राह्मण को दान दें और 5 श्री गणेश के चरणों में रख दें, शेष को प्रसाद स्वरूप बांट दें। तो आइए जानती हैं कि इस दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन पूजन के समय श्री गणेश स्तोत्र, अर्थविशेष, संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ भी करना उत्तम माना जाता है। साथ ही ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा देने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। इस दिन उपवास करके शाम के समय भोजन ग्रहण करें। सायंकाल भी व्रत का पारण करने के पूर्व गणेश चतुर्थी कथा, गणेश स्तुति, श्री गणेश सहस्त्र नामवली, गणेश चालीसा, गणेश पुराण आदि का पाठ करें। आखिर में संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करके श्री गणेश जी की आरती करें और ओम गणेशाय नमः मंत्र के जाप से पूजा का
समापन करें। तो आइए जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। 10 मार्च 2019 को 11:21 से 13:41 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो भक्तों, समय का पूरा पूरा ध्यान रखें। तो आशा करती हैं कि भगवान गणेश आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ सभी भक्त प्रेम से बोलें, ओम गणगणपते नमः।